काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ही ऐसा कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के महलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी का स्ट्रगल, इसके पीछे की मेहनत और नंबर वन पर बने रहने की जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू हैं। आप लोगों को जान के झटका लगेगा कि रोनाल्डो 700 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आज शोहरत के शिखर पर बैठे इस बंदे का बचपन टपकती हुई छत के नीचे गुजरा था। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाला उनकी जासूसी कर रहा है, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहां रोनाल्डो उन जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। और जहां हम हैं, 6 बजे की ऑफिस छूटने होती है और 5 बजे ही तैयार होके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारा उसमें पैशन ही नहीं है, हम तो बस भीड़ के साथ किए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% वो लोग हैं 4% के लिए काम करने वाले, जो 100 बार हारने के बावजूद भी गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसे हालातों में भी रास्ते खोज लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी काफी मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका ना कर सकी। 10 साल की उम्र में इस बंदे को पहला मैच खेलने का मौका मिला, 12 साल की उम्र में इस बंदे को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, 15 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने हार्ट प्रॉब्लम की वजह से फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर तब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। पर अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या दूसरा एक रिस्की सर्जरी करा लो। और बेझिझक इस बंदे ने दूसरे रास्ते को चुना। इससे उभरे ही नहीं थे तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा, ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पापा की डेथ हो गई। इसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया, पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी माँ को दूसरों के घर काम करना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चल के दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। आज दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसा ही होता है विनर्स का एटीट्यूड। So if this person can do this, you also can do this. आज खुद से एक वादा करो, तुम भी अपने पैशन को लेके इतने ही सीरियस बनोगे, तुम में भी वो बात है, तुम में भी वो स्किल्स हैं, तुम भी इस दुनिया को जीत सकते हो। बस फर्क इतना है, तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है, तुम्हें खुद में वो आग लगाने की जरूरत है, जो तुम में चिंगारी पनप रही है उस चिंगारी में एक बार पेट्रोल डाल के तो देख मेरे दोस्त। विश्वास रख मुझ पे, दुनिया जीत जाएगा। मैं हूं अंकित शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में।